हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट या घुटने और कंधे का विशेषज्ञ फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में, शोल्डर पेन। शोल्डर पेन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके और सर्वाइकल के बीच में हम कैसे अंतर कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। कंधा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो तीन जोड़ों से बना हुआ है। एक है बॉल और सॉकेट जॉइंट, दूसरा है आपके कॉलर के बोन और आपके छाती के बोन में जो जॉइंट है, और कॉलर के बोन और आपके पीछे वाले हड्डी के बीच में जो जोड़ है। मेन जॉइंट है बॉल और सॉकेट जॉइंट, जो आपके आर्म और आपके सॉकेट के बीच में है। ये दोनों जोड़ जो है ये छोटे जोड़ हैं, पर ये भी 5-10% काम करते ही करते हैं। इनका ज़्यादातर काम कंधे से ऊपर ले जाने में होता है, हाथ को कंधे से ऊपर में ले जाने में। कंधे के दर्द का कारण चोट के अलावा क्या हो सकता है? चोट तो एक कारण हो ही सकता है, चोट के अलावा कंधा घिस सकता है। इसमें एजिंग चेंजेस हो सकती हैं, जो चिकनाई है इन जॉइंट सर्फेसेस में ये खत्म हो सकती हैं, कंधा रगड़ खा सकता है और ये दर्द देता है। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट में हो सकता है, या ये ऊपर वाले जोड़ में हो सकता है जो आपके कॉलर बोन और ये पीछे वाले बोन के बीच में हो। इन दोनों में आप अंतर कैसे कर सकते हो? जो बॉल और सॉकेट जॉइंट, जब इसमें आर्थराइटिस हो तो मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा भी मूवमेंट से दर्द होता है, 30-40 डिग्री में भी दर्द होता है। पर अगर ये वाली जोड़ जो है ये घिस जाए, जो ऊपर वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 5% काम ही करती है, 10% काम करती है, इसमें दर्द होता है कंधे को यहां से ऊपर उठाने में। इसके अलावा और कारण हो सकते हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाना। इसमें क्या होता है कि कंधा एक तरीके से जम जाता है, इसको लगते हैं 6 महीने ठीक होने में, ज्यादातर डायबिटिक्स में दिखाया दे जाता है, पर ये अपने आप यूजुअली 80% लोगों में फिजियोथेरेपी इंजेक्शन के द्वारा 6 महीने में ठीक हो जाता है। ओनली तकरीबन 10% लोगों में हो सकता है दूरबीन की ऑपरेशन की जरूरत पड़े। तीसरा कारण है कंधे में रस्सियां होती हैं जो हाथ को ऊपर उठाती हैं, और रस्सियां जो है ये मांसपेशियों से आती है, कंधे के मांसपेशियों से। ये रस्सियां बॉल के ऊपर अटैच होती है और फिर आप अपने हाथ को ऊपर उठा पाते हो। इन रस्सियों के ऊपर एक और हड्डी होती है, नॉर्मली रस्सी और वो हड्डी के बीच में थोड़ा गैप होता है, पर कभी कभी रस्सी में थोड़े चोट लगने के कारण, सूजन के कारण, या रस्सी के ऊपर जो एक कुशन की तरह होती है जिसको हम बरसा बोलते हैं, उसमें सूजन के कारण, या ये जो ऊपर की हड्डी है थोड़े लंबे होने के कारण, ये डिस्टेंस जो है रस्सी और हड्डी के बीच में ये कम हो जाती है। तो हर बार जब आप हाथ उठाते हो ऊपर तो ये रस्सी उस हड्डी को टकराती है जिसके वजह से दर्द होता है, इसको हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं। ये दर्द भी एक पर्टिकुलर एंगल में होता है और यूजुअली 90 डिग्री से ज्यादा उठाने में होता है, हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर उठाने में होता है। अभी हम कैसे अंतर करें कि ये दर्द जो है आपके कंधे में या कहीं पे भी हो, ये गर्दन से नहीं आ रहा है पर कंधे से आ रहा है। नॉर्मली कंधे का दर्द जो है वो यहाँ पे होता है, नीचे की तरफ हाथ के ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे। गर्दन का दर्द ज्यादातर गर्दन में और इस एरिया में होता है। कभी कभी जब कंधे का दर्द बहुत दिन तक बरकरार रहे, जैसे फ्रोजन शोल्डर में, इम्पिंजमेंट में, आर्थराइटिस में, तो कंधे के मांसपेशियों में ज्यादा क्षमता नहीं होती कंधे को हिलाने में, तो हम अपना गर्दन के मांसपेशियों को इस्तेमाल करते हैं, इन टर्न गर्दन की दर्द शुरू हो सकती है। तो कभी कभी दोनों होती हैं,
पर गर्दन का दर्द जब कंधे के दर्द के साथ साथ हो, ज़्यादातर वो एक कॉम्पेंसेशन के वजह से होती है, क्योंकि गर्दन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट निर्भर है कि इसका कारण क्या है कंधे के दर्द का। अगर आर्थराइटिस है, अर्ली है, तो इंजेक्शन फिजियोथेरेपी के द्वारा थोड़ा आराम मिल सकता है। अगर बहुत एडवांस्ड आर्थराइटिस है तो कभी कभी कंधे का रिप्लेसमेंट ज़रूरत पड़ती है। अगर ये इम्पिंजमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब रस्सी जो है वो ऊपर वाली हड्डी से टकरा रहा है, तो कभी कभी फिजियोथेरेपी या इंजेक्शन के द्वारा ही ये ठीक हो जाता है। अगर तब भी ठीक ना हो तो दूरबीन के द्वारा ये हड्डी को हम थोड़ा सा शेव करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह बनाने के लिए, जो एक दूरबीन का ऑपरेशन। अगर कंधा जम गया हो फ्रोजन शोल्डर में, तो नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है 80% लोगों में, फिजियोथेरेपी इंजेक्शन या अपने आप ही। 20% लोगों में कभी कभी दूरबीन के द्वारा इसको रिलीज करना पड़ता है और फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। तो इसका आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हो? ज़्यादातर डायग्नोसिस आपका सर्जन ही बनाता है जब वो आपको एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद 50-60% आपका प्रॉब्लम उसको पता होता है। पर आज के ज़माने में हमारे पास ऐसे ऐसे तकनीकें हैं जिससे हम कन्फर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर आर्थराइटिस है तो वो एक्सरे में अच्छी तरह से पता चल जाता है, यूजुअली मॉडरेट टू एडवांस्ड केसेस में। अगर इम्पिंजमेंट हो या फ्रोजन शोल्डर हो या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस है जिसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब सर्जन का देखना आपको, और इन्वेस्टिगेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू अंडरस्टूड कंधे का दर्द क्यों होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो ब्रॉडली आई हैव ट्राइड टू कवर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द सेम। इफ यू एंजॉयड माई वीडियो, इफ यू लर्न समथिंग टूडे, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।